हम सबके पूरा यकीन बाकी ओकरा के जान बुझ के फसाइल गई बा, ओकर जेब में न केहू ड्रग डाल देले रहला, तो ऐसा कुछ बाना हमने के बस वो फुटेज चाहिए, सीसीटीवी फुटेज चाहिए। प्लीज आप हमके फुटेज दिखा दे। शलिन आपन पसीना पोंछ के, हर चेहरे पे तो हर डर साफ दिखाई दे रहा बा, गरुमाल लेके तो दे दी ना। आजकल जॉन भी हाल में बाना, ओकर जिम्मेदारी लड़की बाड़ी, ना ही करण के क्लब में बुलाई थी और ना करण इतना बड़ा मुसीबत में फंसा। सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर ले ली, लेकिन हमारे दी खातिर तो डबल मुसीबत हो गई ना, दो सवाल खड़ा हो गए रहे। एक, क्या आपके जेब में वो ड्रग्स के डालस, और दो सर, शलिन और पाची में केकरा साथ आए रह ली। व्हाट, तू जाने लू शलिन के बारे में? हमका सबके पता चल गए बा सर। एनीवेज का निकलल फुटेज में कुछ ना निकलल सर, वो लेफ्ट विंग में लाइट आ रहा है, पावर कट हो गए रहे, लाइट की भी तबे जाए के रहे, फुटेज ना देख पाई नहीं, कितना उम्मीद के साथ गल रही, सीसीटीवी फुटेज देखे खातिर कुछ ना मिलल। What the hell यार, ये सब कुछ हमने के साथ ही कहेंगे अकेला। एक बात बताओ, ये पीता की क्या जरूरत है बुआ के सामने जाके और शलिन के बारे में सब कुछ बतावे के? अब शलिन के भी पता चल गए कि पीता के ओकरा बारे में पता बा, का करनी हूँ? तो हर बहन बिना एक नंबर के डम्बो बाड़ी, हम यहाँ जेल में बंदवानी होकर हेल्प ना कर सकेली, हमरा बिना कैसे करी सब कुछ यार, एक नंबर के डम्बो बाड़ी। गर्लफ्रेंड कहाँ सुने ली सर जी? तो हम कहनी कि हमारी गर्लफ्रेंड बड़ी सर जी, कबो कबो ना आंख के देखल बात कान के सुनल बात से ज्यादा पावरफुल होला, केहू के बोले बतावे की जरूरत ना पड़ेला। अपन जबान पे तनी कंट्रोल कर, तू दोनों से हम बाद में नहीं तो समझ ले। सिस्टी बताओ प्रीता कहाँ बड़ी? कहाँ जाई सर, घर गए बड़ी, एंड आई एम श्योर मामा उनकर क्लास ले तो ही, मामा के भी ये लगेला कि दी की वजह से आप जेल में बानी। एक तो करीना मैम इतना उनका के सुनेली, ऊपर से मम्मा भी उनका डांट रहा लोखी, जितना बुरा लग रहा हमरा दी खातिर। ओह गॉड, हम यहाँ बंद बारी में प्रीता सब कुछ अकेले में मची लता रही और हम कुछ नहीं कर पावत, कुछ भी ना। डैम इट, चला मैडम बहुत हो गई बात, चला। कहे दिसत नहीं का है, आई एम हैविंग अ कन्वर्सेशन। सृष्टि तू 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 घर जा यार, यहाँ के माहौल भी ठीक नहीं के, सब गुंडे मोहल्ले बैठल पड़े, तू घर जा जल्दी, चला जाते। हाँ तम आते आते अरे का भइल सरला, इतना देर से फोन पे सुन रहल बाड़ू, का कहली हूँ? कुछ ना बीजी, आपके पता बात है वो करीना बा, जब देखा कुछ भी सुनावत रहली ओकरा तो पसंद नहीं के, ना हम ना प्रीता, बस वे सब सुना के गेली। उ छोड़ा ये बतावा, उस सीसीटीवी कैमरा के जे उ कवरेज देखे के रहे, उमे कुछ मिलल? कुछ ना मिलल, लेकिन लेकिन एक बात वो हमरा के बिल्कुल ठीक कर छे। माँ सीसीटीवी फुटेज ना मिलल, मिल भी जाते तो का फर्क पड़ा, वहां लूथरा हाउस में केहू तरह पे विश्वास करे के तैयार ना रहे, लेकिन हम तो हर माँ बानी, हम तरह पे विश्वास करेंगे, ताकि हम जानत आनी कि तू कबो झूठ ना बोलेगी, लेकिन ये तरीका से कहा जरूरत रहे प्रीता ये सब करे के, कहा जरूरत रहे, काहे कहलू तू ये सब? हाँ सरला, तू एकरा काहे दोष दे रहल बाड़ू, हम सब जानत बानी कि शलिन कौन किस्म के लेकी बाड़ी, एमे एकर का दोष बा? ये के गलती बा, हमरा के पता बा कि उस शलिन बहुत गलत इंसान बाड़ी, बहुत शातिर बाड़ी, लेकिन लेकिन अगर तरह लगल रहे कि शलिन गलत बा, तब भी कम से कम हमरा से तो बात करे के चाहत रहे, हमरा तो बतावे के चाहत रहे। अरे अपन तरीका से हम सब कुछ समझा लेती, हम ऋषभ से बात करती, हम ओकरा के समझावे की कोशिश करती, लेकिन तू अकेली सब कुछ काहे करली? हम शलिन के अपन आंख से वहाँ पे देखले रहली, आपके नाम बताने का है कि हम आपके परेशान नहीं के करे के चाहत रहनी, लेकिन अब तो हम परेशान हो गए नहीं ना, तू डॉक्टर बड़ो को जासूस नहीं की केहू के पीछे पड़ जाए और सबके सच्चाई सामने ले आबू, तुम्हारी गलती के वजह से कितना कुछ गलत हो गया बा, तू सोचे की कोशिश कैसे करूं? हाँ हम परेशान होते, हमारी तबीयत खराब हो गई, लेकिन कारण वहाँ जेल में बा, हमेशा मदद कैली बाड़ू, तू ओकरा के बुलाए रहलो, तोरा बुलावे पे वो आयल रहे, और तू आज तोहर वजह से जेल में बा प्रीता, तोहर वजह से, अगर तू तनी समझ से काम ले तो ना प्रीता,
हमरा हमेशा लगल रहे कि तू समझदार लड़की बाड़े। सृष्टि छोट बाड़ी, नादान बाड़ी, लेकिन तू कबो कनो गलत काम कर ना सकेलू, कुछ हो जाए पता बने तारा के करण इंडिया के लिए खेले वाला बता, साउथ अफ्रीका जाए वाला रहे और आज वो जेल में भा। कितना ओकर घर वाला कासूची होकर पूरा की पूरा करियर सिर्फ तोहार वजह से, सिर्फ तोहार वजह से, तोहरा कल के वजह से सब कुछ गलत हो गए, सब कुछ गलत हो गए। ओकरा साथ वो अपन दोस्ती निभाए, लेकिन तू अपन दोस्ती ना निभाए। तू ही जिम्मेदार बाड़ू, तू ही जिम्मेदार बाड़ू। आज वो जेल में बारा तू सिर्फ तोहार वजह से। हमरा से गलती हो गई, हमके माफ कर दो। हाथ मत लगाओ हो रखे, ऐसे हमर दिमाग काम न कर रहा बा। इतना बात सुना दे ली वो करीना और अब अंदर जाके सोचबो। वो हमारे घर का तीर इतना कैलस, हमारे बच्चियन का तीर इतना कुछ कैलस, कैसे उकरा के जेल से बाहर निकाली। लेकिन लेकिन आज करीना जितना कुछ सुनैली ना, इन्हें एक बात बिल्कुल ठीक रहे कि आज अगर करण जेल में बा तो ओकर जिम्मेदार सिर्फ तू बड़ू प्रीता, सिर्फ तू। हमरा वजह से सब लोग परेशान हो गए दादी, हम सबके परेशान कर देनी, सारा हमार गलती बा। बस बेटा अब और मत रोवा, ये लड्डू तुहार माँ करण खातिर बने ले बाड़ी, जा तू जाके गुरा दे आ, सब ठीक हो जाएगी। रूम में इतना अंधेरा का है बा, पुन्नू तो कल रही हमरा से पहले आ जाए। बेबी आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू, तू वहां लुथरा हाउस में का एक्टिंग कर ले बारू, वो प्रीता के धज्जी उड़ा दे लो तू। आई लव यू मोर नाउ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। बट बेबी ये सब तोहार सपोर्ट के बिना पॉसिबल ना होकर, आई मीन टू से हम आज इतना डर गए रहनी, हमरा लगल हमार गेम ओवर हो गए, प्रीता हमरा सबके सामने गलत साबित कर दी। पर टेल मी वन थिंग, तू ये सब कैला कैसे, आई मीन टू से तारा ही सीसीटीवी फुटेज मिलल कैसे? तू तो हमरा के फोन पे कहले रहला कि वो लोग तारा के क्लब के बाहर फेंक देलस। बेबी दुनिया ना, दुनिया झुकेला झुकावे वाला चाहे, ठीक वही तरह बेवकूफ के बेवकूफ बनावे वाला चाहे। मतलब? मतलब ही कि जब क्लब के 2% के तुच्छी से सिक्योरिटी वाला हमका धक्का मार के क्लब से बाहर निकालस, वो वक्त हम अपन ईगो के साइड रख के उस सीसीटीवी वाला से जाके माफी मांग ले। हम आपसे एक ऐसा चीज फ्री में छीने के चाहते जेकर एगो कीमत था, और भाई साहब हमके पता ना कि वो चीज की कीमत कहा, तो आप ही हमके बता दी कि वो चीज की कीमत कहा। और उतारा के फुटेज दे देलस। बेबी पैसा ना दुनिया के सबसे बड़का ताकतवर चीज है, और पैसा के ताकत के आगे बाकी सारा चीज फीका पड़ जाला। और अगर केहू के कोनो काम खातिर अगर तनी सा पैसा देता तो मना काय करी, हां कोनो बेवकूफी होई जे मना करे, और अगर फिर मना करे ना तो का मुंह पर डबल पैसा मारा। मामूली झूठ बोली खातिर वो 2% के सिक्योरिटी मना काय करी। ओ तबा बेल अभी क्या आयल होगी? शैंपियन, शैंपियन मंगवाई ले बनी हम, जश्न तो बने ला, राइट इजंट इट? आई लव शैंपियन एंड आई कांट वेट टू सेलिब्रेट विद यू, हम लेके आवता नहीं। ओके okay.
आप कहीं बाहर जाते नहीं? हाँ, ओ एक्चुअली हम घर में अकेले रहनी ना, तो बार बार वही बात सोच के हमार दम घुटे लग गए, तो सोचनी तनी बाहर घुमाए, फ्रेश एयर में आई फील बेटर, दैट्स इट। शर्लिन बेटा, हम तुहार मन की हालत समझ सकत है, और शायद तू अब यू हमें सबसे बहुत ही नाराज बाड़ू, यही खातिर घर के अंदर तक आवे खातिर ना कहलू ना, am I right? ना ना आंटी, ऐसा भी कुछ नहीं है, आप हमारा अपन बानी, आपसे कैसे नाराजगी, आई ना। हमारे फोन भी नहीं किया हमारे पास, कम से कम पृथ्वी के ही तो मैसेज कर देती कि लोग घर आए बड़े, अगर पृथ्वी कुछ बोलस या फिर इनका सामने आ गए तो हम तो गई नहीं काम से। शरीन बेबी कहाँ रह गई यार, आयल कहा ना अब तक, काम करते खुद जाके देख लेते शैंपिन आयल की ना। ऋषभ और राखी वक्त यहाँ का कर रहा यार, इन लोग के कोनो काम धंधा है कि ना, जब देखा हमार खुशी के बीच में टपक पड़ेला। शर्लिन बेटा, हम समझ सकते हैं कि आज हमने के यहाँ देख के तू बहुत नाराज हो खल होबू, लेकिन आज हमार यहाँ आवे के एगो खास मकसद रहल बा बेटा, और वो बात तोरा से माफी मांगे, आज हमने के घर पर तुहार साथ जोन कुछ भी भइल बा ओकरा खातिर आई एम रियली वेरी सॉरी, हमने के तरफ से और हमार पूरा परिवार के तरफ से वी आर सॉरी बेटा, हमने के माफ कर दा। जोन कुछ भी भइल वो जान बुझ के ना कहल गेल रहे, वो तो बस यूं ही हो गई उस समय। आंटी प्लीज आप वो सारा बात के मत दोहराएं, मानता नहीं कि उस सारा बात सुन के हमारे दिल के बहुत ठेस पहुंचल बा, लेकिन अगर सपना में भी ना सोच ले रहनी कि हमारा साथ ऐसा कुछ होगी, पर इट्स ओके, हमने एक परिवार पानी और परिवार में तो कबो कबो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाला ना, और कबो कबो हमने बाहर वाला के बात में आ जानी है ना, और इल्जाम तो प्रीता हमरा पे लगे ले पड़ी, बुरा तो हमारा उकर बात के लगल बा, आपका है माफी मांगा था। और सच कहीं था हमरा थोड़ा बुरा ऋषभ की जी के तरफ से लगल, कहे कि हर लड़की के ये उम्मीद होखेला कि ओकर मंगे पे ओकरा पे भरोसा करे, गुड गोइंग बेबी गुड गोइंग, सब कुछ सही जा रहा ला। लेकिन अब इस बात के का फायदा, सच्चाई तो साबित हो गई ना, थैंक गॉड हम सारा वो बिल ना फेंक ले रहनी, वरना पता ना हमार का हाल हो खत। ऋषभ सॉरी, फैंटास्टिक, ये तो हम चाहत रहनी ना, उनका ये बात के एहसास हो गया कि प्रीता हमार और ऋषभ के रिश्ता तोड़ी चाहेगी, I'm so sorry. आप लोग बैठी ना, हम पानी लेके आता नहीं। मोहम बस करा बेटा, वैसे भी इतना टेंशन चल रहा बा घर पे, दरवाजा की घंटी बज गई बा, जा खोला देखा कौन बा, हो सकेला शर्लिन की मम्मी जी होए। हेलो सर, सर आपके ऑर्डर शैंपेन बॉटल।
आप एक मिनट रुकी। शैंपेन तो सेलिब्रेट करे खातिर होला, लेकिन शर्लिन आज ऐसन का सेलिब्रेट करे तरी जो शैंपेन ऑर्डर कर ले बाड़ी। आपके बुआ जी, करीना मैम, आपके बना बहु हमार दी पे इल्जाम लगे ले बाड़ी कि आज के तारीख का आप ही जेल में बारी ना तो हमार दी के वजह से और कितना कितना गुजरे ले उनका क्यों हमरा वजह से सिर्फ हमरा वजह से बेचारी प्रीता इन सब में फंस गई। अरे हम गिरफ्तार भेनी अपना वजह से, अरे हमरा जेब में केहू टफ के पैकेट डाल के चल गई हमके पता ना चला। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, गलती हमार और सुनैल प्रीता के जात बा। उस शर्लिन के बच्ची बहुत शातिर पड़ी, उहे प्रीता के फसेले पड़ी। प्रीता ये सब बिल्कुल डिजर्व ना करेगी, का करी यार का करी। हद बा यार, शर्लिन प्रीता के ऊपर इल्जाम लगा देली, ओकरा फंसा देली। बाहर होती ना तब बताती ओकरा के हम का चीज बनी। सर बुरा ना माने तेको बात पूछी। बोलो। ये आपके पहला पहला बार आना का लव सर जी और का? यार तू दोनों के ना दिमाग खराब हो गए बा। हम 50 बार कह चुकल बानी हमारे गर्लफ्रेंड नहीं के। हाँ सर, हम भी तो बोल दे लेना, हमके भी कुछ ना सुने के कि आपके कुछ लगे ली कि ना लगे ली। भले आप दुनिया से कुछ छुपा ली लेकिन हमार नजर धोखा ना खा सके ली। हाँ करण सर जी, अब तो हम जान गए ना कि सच कहा। हम देख ली सर वो गोरी लेखी कितना परेशान रहे आपके जेल में देख के, और वो कुतुब मीनार के डुप्लीकेट जो यहाँ आये रहे आपके साली, आपके कितना फिक्र होते है ना ओकर कि यहाँ से चल जाए घर चल जाए, यहाँ के माहौल खराब हो, यहाँ गुंडा बदमाश घूमता। अब आप ही बताए ना सर जी, दो और दो मिला के पांच हम कैसे ना बना ली। ओ माय गॉड यार, तू दोनों ना सुधरवा यार, तू दोनों ना हमारा दिमाग में ऐसे घुसेड़ देले बड़े कि मतलब के हर तरफ होकर बात करेला हमार गर्लफ्रेंड। अब इतना बात कर बना उकरा खातिर तो हर तरफ वही दिखाई दे ही हमरा के। What? प्रीता कैसन बड़ू तू? तू ठीक तब बड़ू ना प्रीता? Really sorry you. हमके बहुत बुरा लगा। बस बस, इतना भी एक्टिंग मत करा। पता बा हमके तो कितना बुरा लग रहा बाप। हम यहाँ सोच सोच के मरल जा रहे हैं कि तू के लॉकअप से कैसे बाहर निकाली और तुहार तो अंदर कॉमेडी क्लास चल रहा बा। चला बढ़िया बा, तोरा खातिर कुछ लाई ले है। बेसन के लड्डू लाए है। सोचने कि तू यहाँ से आठ बैठल होबा तो घर के मीठा खाई तब अच्छा लगे, लेकिन हमके का बता रहे तू तो ऑलरेडी ना खा ला। ना खा सकेला? काहे ना खा सकेला? अरे हम सबके नजर से बचा के माँ के हाथ के बना लड्डू बा, तो के तो पसंद बना बेसन के लड्डू। करेक्ट, लेकिन अभी ना खा सकेली, क्यों ना जब हम सैड होकेली तब खाएली, एनर्जी बूस्टर के काम करेला। लेकिन अभी एनर्जी सप्लाई ठीक बा, एक खातिर ना खा सकेली, पर वैसे भी कानून के खिलाफ बा, बाहर का खाना अलाउड नहीं है। तू ही डबल ढोलक हमारा सामने मत बजाइबा। जब हम आवत ही रानी तू हंसत रहला, हमके देखे सैड सा एक्सप्रेशन बना लेला, और अब फिर हमके दिखा रहल बाड़ा की जैसे सैड ना बाड़ा। अब इतना नौटंकी मत करा और हमके परेशान करे के ना बंद कर दा। तो के अंदाजा भी ना बा की पहले ही इतना परेशान होकर आई थी। चला मुँह खोला अपन। बहुत बुरा लगल हुई ना जब सब तोहरा ऊपर इल्जाम लगेले हुई है कि जो हम कुछ भी भल तोहरा वजह से भल, तोहरा वजह से हम जेल में बंद बानी। तू जान नहीं पड़ा, सब कुछ जाने ली, और इनू सैड काहे
पहले कि हम बोल देने कि शरीन के बॉयफ्रेंड बा, लेकिन हम कुछ प्रूफ ना कर पे नहीं। वो चलाक लेगी, पता ना कहा चक्कर चले ली, पता ना कहा प्रूफ दिखा दे ली, हम के सबके सामने झूठा साबित कर दे ली। प्रीता, हम जाना तनी शलिन तोरा पे इल्जाम लगे नहीं, जबकि खुद बेईमान बड़ी, लेकिन तू फिक्र मत करा, एक बार हम के यहाँ से निकले था फिर देखिया। शलिन और बॉयफ्रेंड के ऐसे पर्दाफाश करा कि केहू के मुंह दिखावे लायक ना रही है वो दोनों। जे जे तोरा पे इल्जाम लगे लेना, सबसे माफी मंगवाई, सबसे। I'm sorry, Karan. जोन कुछ भी भइल बा सब हमारे वजह से भइल बा। अगर तोके क्लब में नेखे बुलाती था, ई सब नेखे होइत, माँ ठीक कहली, तहार हाली हमारे वजह से ही बा। hey. शैंपेन बॉटल। ओह वाह, आप शैंपेन ऑर्डर करनी? दैट मीन आप लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं नी? करण जेल से छूट गई बा? ये बात बाना आंटी, हमरा के रिलैक्स, ये तारा घर पे ऑर्डर भेज बा। दैट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल मतलब बाहर डिलीवरी बॉय खड़ा बा। हाँ ये हमारी एड्रेस बा, लेकिन हम तो शैंपेन ऑर्डर ना कहनी, शायद जो ऑर्डर कहले होगी ना वो गलत एड्रेस दे देले होगी। लाई हम चेक कर रहा नहीं भैया, ही हमने क्या ऑर्डर नहीं किया, नेक्स्ट टाइम एड्रेस चेक करके आई। मैम परी ऑर्डर तो आपके ही रहे ना। वो एक्चुअली कौनो और के ऑर्डर रहे हो, गलत एड्रेस पे ले आए। आंटी जी, आज आप दोनों यहाँ पे आनी हमरा बहुत अच्छा लागल, और आप हमारी चिंता बिल्कुल भी मत करें, हम ठीक बानी, आप अपन ध्यान रखी। मॉम चले के? चलत है। अपन ध्यान रखिया बेटा। जी। बात है बेबी, तू एक बार फिर उसे ना का धमाकेदार परफॉर्मेंस दे लू, वो ऋषभ के और राखी जी के गिल्टी भी फील करा दे लू और सिंपैथी भी गेन कर ले लू। पर कितना स्टूपिड बड़ी है लोग, ये लोगन के ये वक्त आवे के रहे, अगर ना आते था तो हम ये दोनों अभी शैंपियन के साथ सेलिब्रेट करत रहनी। ये लूथराज भी बहुत स्टूपिड बड़े। बेबी हम ना फेनू से एक बार शैंपियन ऑर्डर कर दे रहे, हम व्हाट्सएप वाले के बोल ली कि तुके पता ना रहे कि सरप्राइज है, शैंपियन इज कमिंग बैक, हैप्पी। आ गई लू बेटा, खिला दे लू ओकरा लड्डू, तसल्ली मिल गई ना। काहे माँ तो अभी हमरा से बहुते नाराज बाना दादी। माँ बाड़ी ना बेटा,
और ये ममता नाम के चीज हो खेला ना, ये बहुत ही असर वाला हो खेला। सुबह तक ओकर गुस्सा ठंडा हो जाई, ठीक हो जाई। हमने एक बार फिर से माँ से बात करे थे। ना 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 बेटा, भूल के भी गलती मत करिया। ई वक्त ओकर गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ल बा। तू जेबू तो फिर कुछ न कुछ बोल ही दी, और तो के पता जब वो शुरू हो जाली तो चुप्पी ना हो खेली। अभी तकड़ा रहे दा बेटा, ई वक्त सिर्फ एगो काम करा, जा और जाके अपन कमरा में सूत जा, सुबह तक सब ठीक हो जाए। सच्ची दादी? हाँ बेटा, तजुर्बा से कह रहल बानी, जा सब ठीक हो जाए। बोला मिस्टर करण, दिस इज एसआर लोखंडे, आपके नया लॉयर। हेलो। ये कुछ पेपर्स है जकरा पर आपके साइन करे के हुई, जकरा से हम आपके केस की कार्रवाई शुरू कर सके। ये पेपर्स पर सब जानकारी है, ये कानून के तौर पे कौन कौन सा धारा आप पर लगाई गई है। भाई ऋषभ, ये पेपर साइन कर देते यहाँ से बाहर निकल जाए ना। ना मिस्टर करण, आप पर जो जुर्म है ओकरा पर जमानत भी ना होला। अगर आप पेपर पर साइन करो थे तो हम आपके केस लड़ सकेला। नवेबर ऋषभ, हमसे बहुत नाराज बा, कहे कि हम और प्रीता शलिन के खिलाफ रहनी। ऋषभ देखो, इस सब में प्रीता की कोनो गलती नहीं है यार, जोन कुछ भी भइलू हमरा वजह से भइल बा। इनफैक्ट हम ओकरा फोर्स कर ले रानी कि हमने शलिन के खिलाफ कोनो न कोनो सबूत जुटाई और ओकरा एक्सपोज करब, वो हमार मदद करत रही, दैट्स इट। ऋषभ ठीक बा, अगर हमार बड़ भाई हमके इग्नोर करत बा तो हमके कोनो पेपर पे साइन ना करे के बा, कोनो केस ना लड़े के बा हमरा के, हमके कोनो फर्क ना पड़ेला कि हमके यहाँ से बाहर जाए दें या ना जाए दें। आई डोंट केयर। एग्जैक्टली, ये तहार प्रॉब्लम है, तारा फर्क ना पड़ेला। पड़ेला तारा अंदाजा भी बा कि तारा गिरफ्तार भइला के बाद हमने के हालत से गुजरता नहीं सर। मॉम और दादी एक ही जिद पकड़ ले बालो कि अगर करण ना आई तो वो लोग ब्रेकफास्ट ना करी। अब तू हमरा के बतावा कि हम कहां से लेके आई करण के, डर लगे जवाब आ। ये हमार प्रॉब्लम है, काला गला तारा करण, तार भाई और प्रीता ही बाजो तकलीफ में बालो, पूरा घर, घर के एक एक लोग, घर के एक एक इंसान, सब लोग तारा साथ है, तार दर्द झेलता लोग। ऐसा लगा था कि जैसे सबके जेल में बंद कर दिया गया, क्यों एक दूसरा से बातें नहीं के करण। जिंदगी ना हम सबके ऐसा मोड़ पे खड़ा करके लिया दे ले बा जहाँ केहू चैन के सांस नहीं खेल ले पावत, और तू कहता रहा कि तारा कोनो फर्क ना पड़ेला। का चाहता रहा तू, हमने के जीते जी मर जाए जा। साइन करे पे जैसे तू हमरा से प्यार करे ला ना, हमरा खातिर कुछ कर सकेला, वैसे ही हमू तारा खातिर कुछ कर सके नहीं, कोनो भी हद तक जा सके नहीं। ऐसे लॉयर के लेके आई ताकि हमनी के ये केस अच्छा से लड़ सके, काहे कि सच के सामने लियावे के हमनी के लगे ये तरीका बा करण और नहीं के। जोन होए के रहल तोन हो गई बा, अब बिल्कुल टेंशन मत ला। अभी हमार जिम्मेदारी बा कि हम तारा नाम से इल्जाम के हटाई, तू समझ गई ला? हम का कहते नहीं, आई वॉन्ट यू टू सी, हम तारा के वापस खेल देखे के चाहता नहीं, हम तारा के ग्राउंड पे देखे के चाहता नहीं, समझ गई ला तू? चल अब साइन कर, चलो साइन कर। ली बीजी, हम आपकी चाय ले। सरला के कहा कि उन्हें पे रुक जा। कहे बीजी, हम यहाँ कहीं रुक जाएं? ओ सरला, हमार मतलब बा तू कहीं गिर ना जाए। का बोला तानी आप बीजी, हम कहीं गिरा, पता ना आप चाय। बहनजी 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 छोड़ी ना, लाई ये चाय हम की दी। अरे बीजी खातिर बनल बा चाय। आ तो फिर का हो गई, बीजी चाय लेके पी, उनका बहुत सारा काम बा। सही करल बाड़ू, हमके तो बहुत जरूरी काम बा। इस सृष्टि हमरा के ऐसे काहे देख रहल बाड़ी, कुछ तो गड़बड़ बा। रुका, पलटा। तो आप लोग
यहाँ तेल है इसे गिरे ले रहनी ताकि एपे से फिसल के हम गिर जाएं, है ना? रुका बहन जी, इधर आपकी तो अपन नौटंकी बंद करा और हमरा के हुए बताई की कहले बा बीजेम कहा था नहीं हमरा के बता दो न तो हमरा बहुत गुस्सा आ जाये। ठीक बा, आपकी सच्चाई जाने के बाना। हाँ, ये तेल गिरावे के प्लानिंग हमने आपकी वजह से कहले बानी। एक तो आप कितना नाराज रहनी दी से और हमारे दी इतना सैड हो रहा बड़ी कब से कि रोए जा रहा बड़ी और आप उनका आंसू पोंछे के बजाय उनका और उला रहा बानी। तो ऐसे हम प्लान करने की जब आप तेल पे फिसल के गिरा ना तो हमने में से क्यों आपकी हेल्प ना करी। दी आई आपकी हेल्प करे और फिर ऐसे ही आप दोनों के पैचअप हो जाए। बीजी इतना समझ बाड़ी छोट बाड़ी ऐसा सोच सकेली लेकिन आप दोनों बड़ बानी। आप दोनों कैसे सोच ले ली सब? आपके लगे लगे हम बेवजह नाराज होके नहीं हमार नाराज होके के कोनो वजह नहीं खेका। मामा हमनी सबके पता बा कि आप बेवजह नाराज ना होके ली लेकिन आप हमार भी तो बात समझी ना। इतना सुनेनी आप दी के बेचारी दुखी हो गई बाड़ी ऐसा क्या करते ले बाड़ी हमार दी कि आप इतना बड़ा सजा दे रहे बाड़ी उनका के। अरे कोनो क्यों माँ अपन बेटी के साथ ऐसा करे लिखा। देखा भाई सरला अब बड़ा होके के नाते और तुहार माँ होके के नाते एगो बात कह रहा बानी ई लड़ाई झगड़ा करा खत्म और तू अपन बेटी के गला लगा ला। ठीक बा। प्रीता सारा रात रोवत रहलू ना दादी तोहार सूजी आंख बता रहल बा। का करी दादी माँ हमरा से अभी भी नाराज बड़ी। माँ जानत है हमरा से बहुत ही बड़ भूल हो गई बा माँ हमके माफ करता। तो चाहेलू ना कि हम तारा के माफ कर दी तो ओकरा खातिर पहले तरह के लूथरा हाउस जाए के पड़ी तरह उनका से माफी मांगे के पड़ी। आज अगर उनका बेटा जेल में बा तो ओकर वजह सिर्फ तू बाड़ू कहीं ना कहीं तू भी जिम्मेदार बाड़ू ना। अगर तू जाके उनका से माफी मांगबू वो तरह के माफ कर दी है ना तो हम तरह के माफ कर दे। कैसन बहु बाड़ी आपके यार हिटलर की नानी करेली अपनी मनमानी। अरे कैसे जिले बनी आप इतना साल से उनका के समझ में ना आ रहा हमरा के। सृष्टि कुछ ठीक ना लग रहा बा बेटा अजीब सा महसूस हो रहा बा लागत बा कुछ बहुत गड़बड़ होके वाला बा। ऐसे क्या बोला तानी दादी इतना टेंशन मत ली कुछ ना होगी हम जाके दी से बात करता नहीं। हाँ यार लूथराज के यहाँ जा रहा है सबसे माफी मांगे खातिर। अरे दी काहे खुद के इंसल्ट करावे जा रहे बानी यार आपके पता बना वो लोग कितना रूड बाड़े स्पेशली वो करीना मैम और शर्लिन तो सर की इंसल्ट करे खातिर बनल बाड़े वो लोग का कुछ ना कले वो लोग यार आपके आपके पेट ना भरल का। आप एक काम करें आप ना माँ से झूठ बोल दी कि आप लूथराज जाके उनका से माफी मांग लेनी और वो लोग आपके माफ भी कर देनी। मम्मा ना सीधा सीधी मान भी जाये और वो लोगों से क्रॉस चेक भी ना करिए कि प्रीता माफी मांगले बाड़ी कि ना मांगले बाड़ी। अच्छा तो माँ हमरा से पूछी तो उनका झूठ बोल दी और ये हमार आंख बा हमार खिलाफ गवाही ना दे रहा बा। तू पागल हो रहा बा सृष्टि हम पहले माँ के इतना दुख पहुँचले है हम और दुखी ना कर सकते उनका और ठीक है तक हाथ पानी माँ सारा हमार गलती बाप वो माफी मांगे में का बुराई बाप हम सच्चा दिल से सबसे जाके माफी मांग ले। अदि कहा हम चली हैं आपके साथ ना सृष्टि ये हमार लड़ाई बा हम के ही लड़े था गिरीश भैया। यस मैम हमके राखी आंटी से मिले के बाप ये वक्त मिल सका थे आप बैठी हम मैम के बता देते हैं। तू
हिम्मत के दाद देवे के पड़ी। का ले आयल बाड़ू यहाँ पे का भाई? कल तो तोहर जुबान बहुत कैची जैसन चलत रहे, आज का चुप बड़ू? हम कुछ पूछा था नहीं तरह से। तुम्हें कितना बार कहले है, जब आस पास क्यों ना हो ना तो इस तरह के नौटंकी करे की जरूरत ना बा। काहे कि हम तुहार सच्चाई जानत बानी शर्लिन, और तू अच्छा से जानत पाड़ू कि कल हम जोन कुछ भी कहानी वो 100% सच कहानी। हमरा में सच्चाई बतावे की हिम्मत पाओ, लेकिन पता ना काहे एक बार फिर तुहार चलाकी काम कर गई। शट अप प्रीता, चलाकी तो तू दिखावे की कोशिश कर लू, लेकिन अफसोस तू मकसद में हार गयलू। तरह कल अकेला हम जानत नहीं थी कि तू का चाह लू, और अपन औकात में रखे बात करा करण हमार होके वाला देवर बा, और हम बहुत अपसेट बानी कि तोहर वजह से आज जेल में बा। आज के बाद हमरा से तमीज से बात करिया, काहे कि हम ही घर के होके वाली बहू बानी, बेहतर होगी कि तू हमरा हमार ई पोजीशन के इज्जत दा, वरना आउट। आंटी जी, हम आज सुबह सुबह ऐसे आ गए नहीं ताकि हम ना चाहते रहे कि आप में से केहू भी गलती फील करें कि केहू आउटसाइडर के बात सुन के आप लोगन हमरा पे शक करें नहीं। इट्स ओके आंटी। सॉरी प्रीता, हम तुहार तरफ से आज कुछ भी ना कह सके थे। राखी आंटी, सो सॉरी आंटी। हम आपके बता ना सका थे आंटी कि हमके कितना बुरा लग रहा बा, सारा हमार गलती बा। अगर हम करण के वहां क्लब में नहीं बुलाती था ये सब ना हो, आज सारा परिवार मुसीबत में बा हमार वजह से बा। हम आपके बता ना सकते थे, आई एम सो गिल्टी। हम जानते हैं हम माफ करे के भी हकदार ना है, लेकिन हम का करे, हमसे गलती हो गई, हमके माफ कर दी आंटी। प्रीता बेटा, तू अपना आपके दोष मत दा बेटा, हमके का पता रहे कि क्लब में ऐसा सब कुछ हो जाए, तोहर कोनो गलती ना पा। वाह प्रीता वाह, कमाल के एक्टिंग कर ले वेलू तू। पहले तो हमनी के जिंदगी में इतना बड़ा दर्द दे लू, हमनी के जज्बात के हिला के रख दे लू, हमार हंसता खेलता परिवार के इतना दर्द दे ले बाड़ू, और अब आंसू बहा के हमनी से हम दर्दी बटोर ले चाहे लू। आज हम आपके कुछ भी ना कब करें ना जी, कहे कि हम जाने थे कि आप जल कुछ भी कर ले बिल्कुल सही कर ले। तब तू हमरा के बतेबू का सही बा और का गलत। केहू कुछ नहीं के कहले, कुछ ना करी वो जो हद होला, लॉयर हमनी के कुछ नहीं के बताइले। अभी तक ले तकरन के बेल हो जाके चाहे ना डैड, हमके लागल हमके खुदे जाके बात करे के पड़ी ओकरा। हाँ बिल्कुल करे के पड़ी। प्रीता जी, प्रीता जी का भाई आप रोत काहे बानी? ऋषभ भैया आपके क्योंकि फोन आयल बीसीसीआई से केहू के या समीर के कोच के? नहीं हमरा केहू के फोन नहीं खेल समीर, लेकिन बात का भाई बा एगो प्रॉब्लम बा भैया, रिमोट कहाँ बा? नमस्कार, खेल के ताजा खबर में आप लोगन के स्वागत बा। आज के सनसनीखेज खबर बा मुंबई के जाना माना क्रिकेटर करण लूथरा के बारे में। हमनी के सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स ट्रैफिकिंग जैसन संगीन जुर्म में पकड़े जाए के वजह से करण लूथरा के इंडिया साउथ अफ्रीका वनडे इंटरनेशनल से बाहर निकाल दिया गया बा। और उनकर जगह को नया क्रिकेटर के सेलेक्ट कर लिया गया बा। हमार भाई निर्दोष है, कुछ नहीं के कहले हमार भाई। डैडी लोग कैसे डिसाइड कर सका था, अपने आप ही लोग इतना जल्दी कैसे डिसाइड कर लेला लोग? हम अभी बात करते नहीं ऋषभ। हे भगवानी का हो गई, हमार करण बेकसूर बा, ओकरा सब भुगते के पड़ रहल बा। राखी जी सब ठीक हो जाई, कुछ समझ में ना रहल बा, ओकर करियर बर्बाद हो गई। करण के का कुछ ना होई, ओकरा शांत हो जाई,
शांत हो जाए राखी जी, राखी जी संभाल लिया अपना आपके ऋषभ आना, हम सब कुछ ना बता ऋषभ ऋषभ अभी तो बोर्ड कमेटी वाला सब बल्ले रहे क्यों दूसरा प्लेयर की चुन ले ले बा, वो प्रैक्टिस भी शुरू कर दे ले बा, अब होकर करियर सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए प्लीज आप चलिए आई एक मिनट यहाँ तरह के कोनो माफी ना मिली, एगो काम करा निकल जाए यहाँ से, तोहर चेहरा देखे नी ना तो हमार खून खोले लग जाला, निकला यहाँ से आउट, या फिर तू चाहे लो कि हमनी के दर्द और हमनी के तकलीफ और बढ़ जाए। बुआ ओकरा से ए तरीके से बात ना करके चाहत रहला। शट अप समीर, ई मत भूला कि हम तोहर फैमिली बानी। वाह, हमार पुन्नू बेबी सच में मास्टरमाइंड बा, जोन भी प्लान बनावेला सक्सेसफुल हो जाला, ऐसन सेटिंग कर देवेला ना कि एक दिन में दो ना 10 निशाना लग जाला, बहुत मजा आए। सो प्राउड ऑफ यू डार्लिंग, तू तो दी करण लोत्रा की करियर ही खत्म कर देला, अमेजिंग।